एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है अगेन एक मीशो हॉल एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल से आउटफिट्स। इसमें आपको कुर्ता शरारा, साड़ी, लहंगा, ज्वेलरी सब कुछ मिक्स में देखने को मिलेंगे और सभी हैं आपकी चॉइस के। इनके कोड्स आपने मुझे दिए थे एंड जितने भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ सभी है रीसेलिंग में। तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो मुझसे परचेज कर सकते हैं। रीसेलिंग प्राइस है एंड मीशो प्राइस है, मैं साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन करती रहूंगी, तो आप देखते रहना। एंड रीसेलिंग प्राइस का मतलब है उस प्राइस में आप मुझसे बाय कर सकते हैं मीशो से कम प्राइस में। और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यहाँ पे मैं क्लिप दे रही हूँ। तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे परचेज कर सकते हैं एंड आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग के लिए भी और डेली अपडेट्स के लिए भी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए लिंक से, लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप वहाँ से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% एंड 100 रेट का ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप वहीं से मीशो डाउनलोड करें। एंड जितने भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ सभी के कोड्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता शरारा सेट। इसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कोड्स आ रहे थे, तो फाइनली मैंने पिक कर ली है। एंड ये बहुत ही सुंदर से कलर में आपको देखने को मिलेंगे। कलर बहुत प्यारा लगा मुझे इसका एंड जैसा दिखाया था ना एज इट इज पिक्चर में वैसा की वैसा आया है। काफी सारे सेलर्स के पास अवेलेबल है लेकिन आप इस कोड से बाय करना क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो इस तरीके की आपको इसमें कुर्ती देखने को मिल जाएगी। एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसकी जो रीसेलिंग प्राइस है मीशो प्राइस है मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप देख लेना। कुछ इस तरीके की आपको इसमें कुर्ती देखने को मिल जाएगी। स्ट्रैपी शोल्डर में है ये वाला कुर्ता सेट एंड ये पूरी जो है सिक्वेंस में आपको कुर्ती देखने को मिल जाएगी। इसमें जो है नेट फैब्रिक इन्होंने यूज किया है, मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ जिससे आपको पूरा लुक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ना ये सिल्वर सिक्वेंस लगाए हुए हैं लेकिन ये ट्रांसपेरेंट वाले सिक्वेंस इन्होंने यूज किए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड बहुत अच्छे से शाइन करते हैं। नाइट एंड डे के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग परफेक्ट कलर है। किसी भी फंक्शन में आप इसे कैरी कर सकते हो, अभी राखी आ रही है या फिर तीज वगैरह में आप इसे स्टाइल कर सकते हो, पर राखी के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट ड्रेस है। प्लस लाइट वेट है एंड फुल लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। फ्री साइज में आपको ये देखने को मिलेगी तो ये आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज तक आराम से आ जाएगी। क्योंकि आपको इसमें कुर्ती देखने को मिल जाएगी, पूरी सिक्वेंस की कुर्ती है। बॉटम में इस इधर की साइड इसमें जो है पूरा जो है एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है और ये एम्ब्रॉयडरी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, पूरे थ्रेड से की हुई है, जरी के थ्रेड भी यूज किए हुए हैं। तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है। पूरे में अंदर आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी साटिन की, तो बहुत ही अच्छी सी आपको ये शॉर्ट कुर्ती देखने को मिलेगी एंड पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा इसका। तो मैं आपको इस ड्रेस को हाईली रिकमेंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा न्यू पैटर्न है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश ड्रेस है। तो इस तरीके की तो इसमें आपको कुर्ती देखने को मिल जाएगी। बॉटम के लिए इन्होंने शरारा दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेट फिटिंग में देखने को मिलेगा ऊपर से और ये भी आपको फ्री साइज में मिल रहा है तो ये आपके एक्सेल डबल एक्सेल साइज तक ईजीली आ जाएगा। इलास्टिक वाला शरारा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद। ऊपर से तो पूरा सिंपल है स्ट्रेट फिटिंग में, नीचे आपको कुछ इस तरीके का इसमें सेम कुर्ती वाला जो है वर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिक्वेंस लगाए हुए हैं, अंदर प्रॉपर लाइनिंग लगाई हुई है। ये जो फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया है इसका भी नेट फैब्रिक है और नीचे की साइड आपको बॉटम में कुछ इस तरीके की गोल्डन लेस भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ना इस तरीके का दुपट्टा दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। 2.25 मीटर का आपको दुपट्टा देखने को मिलेगा, चारों तरफ इस तरीके की लेस दी हुई है, नेट का दुपट्टा है और ये आप देख रहे हो ना ये फ्लावर्स एंड बीड्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो पूरा दुपट्टा आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। लुक एक बार पूरा आप साइड में देख लेना। एंड गाइस इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, मुझे पर्सनली ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड स्टाइलिश लगी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी, इसका कोड भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे दिया था। पैकेजिंग आप देख सकते हो, जिप कवर में ये वाली साड़ी आपको देखने को मिलेगी। इसका कलर ही बहुत प्यारा है, ये आपको बेबी पिंक कलर में पूरी साड़ी देखने को मिल रही है एंड कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये भी काफ़ी सारे सेलर्स के पास मीशो पे अवेलेबल है, पर आप उन्हीं सेलर
सेलर से बाय किया करो जिनके कोर्स मैं आपको देती हूँ, बिकॉज होता क्या है फिर आप किसी और से परचेज करते हो प्राइस में डिफरेंस देख के और मिल कुछ और जाता है। इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है, वर्क बहुत ज़्यादा प्रिटी है और ये आपको बेबी पिंक कलर में कुछ इस तरीके की सिल्क की साड़ी देखने को मिल जाएगी। इसका जो फैब्रिक है लीची सिल्क फैब्रिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक है। इसके अंदर ये वाइट एंड बेबी पिंक कलर के फ्लावर्स बनाए हुए हैं। क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरी प्लेन साड़ी है, बस चारों तरफ आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा। गोटे पत्ती प्लस जरी के काम का इसमें बॉर्डर है, गोल्डन बॉर्डर है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। लेकिन ये वाली साड़ी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, सिल्क की साड़ी है, एक तो कभी भी फैशन आउट नहीं होता। और इस राखी अगर आप इस रक्षाबंधन कुछ साड़ी स्टाइल करने की सोच रहे हो तो इसको भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा लुक आएगा इसको स्टाइल करने के बाद। एक बार साइड में देख लेना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। और इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। ये जो बॉर्डर है ना, प्रॉपर गोल्डन कलर का बॉर्डर नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिल्वर गोल्डन मिक्स में बॉर्डर है जो कि पिंक के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगी। क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और पूरे में आपको गोल्डन सिक्वेंस देखने को भी मिल जाएगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेंथ प्रॉपर है एंड इस तरीके की आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का टफेटा सिल्क का ब्लाउज इसमें दिया हुआ है जो कि फुल एम्ब्रॉयडर्ड हैंड सिक्वेंस वाला ब्लाउज है। इस तरीके का वर्क देखने को मिल जाएगा आपको। इसमें फ्रंट में गोल्डन कलर का वर्क है प्लस इसके ऊपर जो है गोल्डन सिक्वेंस लगाए हुए हैं। हैवी स्लीव्स आपको इसमें देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी बनवाने के बाद। तो ये ब्लाउज का जो फैब्रिक है 90 सेंटीमीटर के आसपास है जो आपके एक्सल डबल एक्सल साइज में ईजी भी आ जाएगा एंड काफ़ी अच्छा एंड हैवी ब्लाउज स्टिच होगा, बिल्कुल वैसा होगा जैसा पिक्चर में दिया हुआ है। तो इस साड़ी को भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, डेफिनेटली बाय करना। जो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी डिमांड पे, वो भी है एक साड़ी और आप बोल रहे थे दी अफोर्डेबल प्राइस में पार्टी वेयर साड़ी के ऑप्शन लेके आओ एंड स्पेशली जो है तीज वगैरह के लिए लेके आओ। तो तीज वगैरह में भी आप इसे स्टाइल कर सकते हो, प्लस कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, राखी में भी कर सकते हो यार, रक्षाबंधन भी आने वाला है तो इस तरीके की पैकेजिंग में ये देखने को मिल जाएगी। एंड इसके रिव्यू कुछ एवरेज रिव्यू थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ज़्यादा मतलब बहुत बुरे भी नहीं थे, सही था। आप मीशो पे देखोगे साड़ी मिल रही है लेकिन ये एक रेप्लिका है लहंगे का, उर्वशी ने इसे पहना हुआ है। मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी तो आपको और वेबसाइट पे लहंगे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे उसको ही कस्टमाइज करके इन्होंने साड़ी का लुक दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप कह सकते हो ये एक रेप्लिका साड़ी है एंड कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सेम जैसा लहंगा था ना वैसा कि वैसा इन्होंने साड़ी बना दी है, लाइक लहंगे को हटा के इन्होंने साड़ी कर दी है और ब्लाउज आपको सेम वो ही लहंगे वाला देखने को मिल जाएगा। कलर बहुत प्यारा है एंड मैं आपको प्राइस के अकॉर्डिंग इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। इतनी कम प्राइस में आपको एक डिज़ाइनर साड़ी मिल रही है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसमें ब्लाउज के लिए इन्होंने तीन फैब्रिक दिए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फ्रंट बता देती हूँ। ओके, तो ये इन्होंने इसमें फ्रंट के लिए दिया हुआ है। इसका ब्लाउज आपको फुल हैवी ब्लाउज मिलेगा, जब आप स्टिच कराओगे तो फुल हैवी लुक आएगा इस ब्लाउज के साथ। गोल्डन कलर का आपको पूरा ब्लाउज दिया हुआ है, बेज कलर बोल सकते हो क्योंकि बेज एंड गोल्डन मिक्स में ही है पूरा। पूरे पे आपको यहाँ पे फॉयल मिरर लगाए हुए हैं, इस तरीके के फॉयल मिरर का काम देखने को मिल जाएगा प्लस एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो ये हो गया फ्रंट के लिए और ये जो फैब्रिक है टफेटा सिल्क फैब्रिक है और ये ऑरेगंजा सिल्क इसमें अटैच किया हुआ है और उसके ऊपर ये पूरा वर्क किया हुआ है। तो ब्लाउज का फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, आपको अलग से लाइनिंग वगैरह लगवाने की नीड नहीं है, सब कुछ इसमें आपको रेडी मिल रहा है। तो ये तो हो गया फ्रंट का फैब्रिक। बैक के लिए भी इन्होंने बिल्कुल ऐसा कि ऐसा फैब्रिक दिया हुआ है, डीप नेक इससे स्टिच होगी प्लस हैवी स्लीव्स। तो पूरा जो फैब्रिक है 8 मीटर से भी ज़्यादा फैब्रिक है, तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में हैं तो भी आपके ईजीली आ जाएगा और इससे फुल हैवी ब्लाउज स्टिच होगा। और इस रक्षाबंधन ये वाली साड़ी भी बहुत ही अमेजिंग रहेगी। और तो इस तरीके की आपको इसमें बैक देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ब्रॉड है, पूरे पे सेम आपको वही ब्लाउज वाला जो है वर्क देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इस साड़ी को बैक के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, बैक से आपको इसे टाई अप करना होगा। इसका जो है ना लेंथ होगी वो आराम से आपके ना एक्सल साइज तक हो ना आप तो भी आपके आराम से आ जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अलग से आपको बैग परचेज करने की नीड भी नहीं है और आज का जो है बैग वाली साड़ी है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्लस इसमें आपको साड़ी है ना बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सी साड़ी देखने को मिल जाएगी। इसका पहले आप कलर देखो कितना प्रिटी है, दूसरा ये जो कलर है ना जैसा पिक्चर में दिख रहा है
है एज इट इज वैसा वाला शाइनिंग वाला फैब्रिक है और आप शाइन देख सकते हो ना कितनी प्यारी है, येलो ग्रीन कुछ इस तरीके की शाइन आ रही है, सिल्वर वो सेम आपको ऐसा की ऐसा मिलेगा जब आप सामने से भी देखोगे ना, बिल्कुल ऐसा की ऐसा फैब्रिक है ये वाला। तो फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, साड़ी का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है और इतनी कम प्राइस में आपको ये साड़ी मिल रही है। तो इस साड़ी को ग्रैब करना मत भूलना क्योंकि ये फटाफट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी मीशो पे। तो इस तरीके की आपको ये साड़ी मिलेगी, इतना सा जो पार्ट है ना वो प्लेन मिलेगा, जब आप ग्रैब करोगे अंदर की साइड आएगा एंड कुछ इस तरीके की आपको पूरी ये साड़ी देखने को मिलने वाली है। लुक एट दिस ना, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक है एंड कुछ इस तरीके की आपको इसमें फॉयल मिरर वाली लेस देखने को मिल जाएगी और पूरी साड़ी प्लेन है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। तो कुछ इस तरीके की पूरी 5.5 मीटर की साड़ी दी हुई है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा, जब आप इसे फुल ब्लाउज के साथ स्टिच करा के पहनोगे विद बेल्ट बहुत अच्छा लुक आएगा और काफ़ी अच्छी साड़ी है, अपने आप में एक स्टेटमेंट पीस है। तो पिक करना मत भूलना और ये है इसका आंचल, आंचल पे आपको चारों तरफ इस तरीके का वर्क देखने को मिल जाएगा। कुछ डिज़ाइनर साड़ी है, कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं तो आपको इस साड़ी को हाईली रिकमेंड करूँगी। 800-850 के आसपास में भी इसकी प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। तो ये है जो नेक्स्ट मुझे अच्छी लगी और ना मुझे नहीं पता इसकी रेटिंग एवरेज क्यों है या फिर क्या है, पर अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये है जो नेक्स्ट साड़ी मैंने ली है जो कि रक्षाबंधन में अच्छी रहेगी और किसी भी फेस्टिवल में आप इसे स्टाइल कर सकते हो, गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लुक आएगा। तो अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक लहंगा, और मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में जो मेरा मीशो हॉल था कि मैंने उस लहंगे में व्हाइट कलर पिक किया है प्लस पीच कलर, तो व्हाइट वाला मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वाला कलर देखना चाहते हो उसका रिव्यू, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से उस वीडियो को चेकअप कर सकते हो। तो फाइनली मुझे पीच कलर मिल गया है एंड ये पूरा आपको फ्लोरल प्रिंट में लहंगा देखने को मिलेगा। लहंगे का जो फैब्रिक है साटिन फैब्रिक है, फ्लेयर है 3 मीटर से अबव फ्लेयर है और साटिन के लहंगों में आपको कैंग कैंग की नीड नहीं होती है क्योंकि साटिन में ऑलरेडी फ्लेयर काफ़ी अच्छा आ जाता है। ये आपको फुल स्टिच लहंगा देखने को मिलता है, प्रॉपर अंदर साटिन की लाइनिंग भी लगाई हुई है, फ्री साइज में है अप टू 42 से अप टू 44, यानी कि XL XL साइज में है तो भी आपके ईजिली आ जाएगा। पूरे पे आपको रोजेज बनाए हुए हैं रेड कलर से जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, फ्लेयर आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट प्रिंटेड लहंगा है। इस लहंगे को मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी वर्थ इट ड्रेस है और अगर आप इस फेस्टिवल स्टाइल करना चाहते हैं लहंगा वो भी अंडर 1000, तो डेफिनेटली यार इस पर स्टाइल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक आएगा प्लस स्टाइलिश है एंड बहुत अच्छा अच्छा फ्रेश लुक आता है। तो डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ, इतनी कम प्राइस में आपको एक लहंगा मिल रहा है, प्रॉपर बहुत अमेजिंग डील है। और इसके साथ आपको ब्लाउज भी मिल जाएगा जो कि आपको अंदर अटैच देखने को मिलेगा, पूरा 1 मीटर का इन्होंने ब्लाउज का फैब्रिक दिया हुआ है, सेम लहंगे जैसे साटिन का फैब्रिक है प्रिंटेड है फ्लोरल प्रिंट में है, तो आप जैसे चाहो ब्लाउज इसे स्टिच करा सकते हो, XL XL साइज तक आपके ईजिली आ जाएगा। तो ये तो है ब्लाउज एंड लहंगा एंड इसका दुपट्टा भी पूरा प्रिंटेड आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का इन्होंने कॉटन एंड रेयन मिक्स दुपट्टा दिया हुआ है, पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है, चौड़ाई आप देख सकते हो प्रॉपर है, इतनी कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी ड्रेस मिल रही है और बहुत ही अमेजिंग डील है ये वाली। तो डेफिनेटली ग्रैब करना, बहुत अच्छा लगेगा इस वाले राखी में ये वाला लुक, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही प्यारी सी सिल्वर ज्वेलरी, इस तरीके के बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ये मुझे है ना मीशो पे कुछ न्यू पैटर्न लग रही थी तो मैंने पिक कर ली, प्लस अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो फेस्टिवल में आप इसे स्टाइल कर सकते हो कॉटन कुर्तियों के साथ, लहंगे के साथ, साड़ी के साथ, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इस ना फुल लुक एक बार आप साइड में देख लेना, क्लियर हो जाएगा। प्राइस मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ सभी की, दोनों प्राइस, तो अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। कुछ इस तरीके की बहुत ही लाइट वेट है, एक तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ईजिली पूरे दिन कैरी कर सकते हो एंड इस तरीके की आपको ऊपर से तो चैन देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका जो लॉकेट है ना इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्लस यहाँ पे जो इन्होंने इस पे स्टोन भी लगाए हुए हैं काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लुक ना लॉन्ग पहनना चाहो शॉर्ट पहनना चाहो अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हो, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में है। तो ये तो हो गया इसका नेक पीस, प्लस साथ में ना दो बहुत ही अच्छे एंड बड़े बड़े इयररिंग्स मिले हैं जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है।
इयररिंग्स जब भी आप पूरे दिन पर कैरी कर सकते हो जब वो लाइट वेट हो, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, पूरा सेट ही बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और इस तरीके के आपको इसमें हुप्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके की बालियाँ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंड कुछ इस तरीके की है ये दोनों, काफ़ी अच्छा लुक आएगा पहनने के बाद। यहाँ पर आपको सेम जो है स्टोन का वर्क देखने को मिल जाएगा, एथनिक और वेस्टर्न दोनों के साथ आप इसे स्टाइल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो ये है जो नेक्स्ट इयररिंग्स और नेकलेस का सेट मैंने पिक किया है, जिसको भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है। तो गाइज ये था आज का मेरा कंप्लीट कलेक्शन, आई होप आपको आज का ये वाला मीशो हॉल पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को विद बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, एंड आगे आपको पूरा जो है बहुत ही अमेजिंग वाला फेस्टिव कलेक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फेस्टिवल सारे लाइन अप है, तो अब आपको कंप्लीट फेस्टिव कलेक्शन देखने को मिलेगा अफोर्डेबल प्राइस में, हाई रेंज में, सभी तरीके के मैंने ऑर्डर किए हुए हैं मीशो से। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इनमें से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा कॉमेंट करके बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।